हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से चिकन की एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। तो देखते हैं इसमें खास बात क्या है। पर उससे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबा ही दीजिएगा। तो अभी सबसे पहले मैंने ढेर सारे धनिया पत्ती को अच्छी तरह से धो के उसको थोड़ा बहुत काट के जार में डाल रही हूँ। साथ में हरी मिर्चियों को भी डाल दूंगी। आपको जितना तीखा खाना है आप खाएं। और बहुत सारे धनिया पत्ती अच्छी तरह से पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए, अब चिकन को बहुत अच्छे से धो के उसको कढ़ाई में डाल रही हूँ। सोचते होंगे ना आप दोस्तों कि मैंने मसाले तो भुने ही नहीं, पर ये भी एक तरीका है, आप देख लीजिए। अब उसमें कटे प्याज डाल दिए, उसके बाद टमाटर डाल दूंगी। अभी से कलरफुल देख के लालच आ रहा है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, उसको अलग से डाल दिया। अब धनिया मिर्ची का पेस्ट ढेर सारा देख लीजिए, बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसके बाद सूखे मसालों में कुछ भी नहीं, हल्दी, मिर्ची पाउडर, हाँ आपको जितना तीखा चाहिए उस हिसाब से। फिर नमक डाल दूंगी और थोड़ी सी शक्कर और तेज पत्ता और काली मिर्ची का साबुत डाल दूंगी मैं, और मेरा मस्टर्ड ऑयल तो है ही। अब अपने हाथों से ही इसको मिला देना है, बड़े प्यार से, बड़े लाड़ से, अच्छी तरह से। 2-3 मिनट तक मैंने इसको मिलाया है ताकि चिकन पूरा मसालों से मिक्स हो जाए। अब कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस पर। अब धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे, खूब धीरे धीरे चलाते रहेंगे, और आंच को भी फिर धीरे से धीमा कर देंगे। बहुत अच्छी तरह से इसको भुनेंगे ताकि उसका जो मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाए, क्योंकि चिकन पकना बहुत ही जल्दी पक जाता है। एक्चुअली टाइम ही नहीं लेता चिकन पकने में, बस मसाले अच्छी तरह से पकने चाहिए। और दोस्तों, ये चिकन मैंने 1.25 किलो से 1.5 किलो के बीच का ही लिया है। आप लोग भी ऐसा ले, वो चिकन बहुत ही टेस्टी होता है और अच्छी तरह से पकता है। उसमें से अपना खुद का पानी भी निकलता है, मैंने अभी तक पानी नहीं डाला है, और उसी में से अच्छी तरह से उसको भून रही हूँ। और ये सबसे अच्छा चिकन होता है, इससे कम वेट का होगा तो उतना अच्छा नहीं होगा, इससे ज़्यादा का भी एकदम रेशा रेशा होता है, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो देखिए, ये पानी पूरा निकल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। हाँ, इसी में पक गए मेरे पूरे चिकन एकदम मक्खन जैसा। और जितना भी थोड़ा बहुत तेल डाली थी वो भी ऊपर तैरने लगेंगे, देखना अभी। ये देखिए कितना अच्छा बन गया है एकदम। और धनिया पत्ती का जो पेस्ट डाली थी उसका जो स्मेल, वाओ। साथ में थोड़ा सा पानी दे दी। अब लौंग इलायची को ऐसे कूट लिया और उसमें डाल दिया लास्ट में एकदम। देखिए मेरा एकदम पक चुका है, आप, मैं उठा के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा था और बहुत ही बढ़िया बना था, बेहतरीन बना था। आप भी ट्राई करना दोस्तों, ये मेरा बन के तैयार है। अच्छा, ये है रायता, जिसमें मैंने तो नहीं, मेरे तमिल बेटे ने बनाया है। प्याज और खीरे को एकदम अच्छे तरह से बारीक बारीक काट लिया, दही, नमक और शक्कर डाल के
और साथ में काला मिर्ची का पाउडर डाल दिया, ये देखिए, और उसको मिक्स कर दिया एकदम गाढ़ा गाढ़ा। इसको तमिल में पचड़ी कहते हैं। बहुत ही टेस्टी बनाते हैं वो, मेरा बेटा जैसा ही है, और बेटा ही है एक्चुअली। और बहुत अच्छे से बनाए हैं उन्होंने, आप भी घर में ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। और नॉनवेज के साथ ये पचड़ी बहुत ही जाता है अच्छी तरह से। लीजिए, मेरा तो तैयार हो गया है, आप भी ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज़ कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट्स में बताना। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।